ರಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳ ಕದಿಯೋಣ ಮೋಡದ ಕಡಲಿಂದ ಪನ್ನೀರ ಕಡೆಯೋಣ ಬಿಡಿ ಹೆತ್ತ ಬಣ್ಣ हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढोंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे अभी, क्योंकि मतलब टाइम हो रहा है 10:30 हो चुका है और घड़ी का सेल मुझे लग रहा है ख़राब हो गया, बंद हो गया। तो लाएंगे इसके लिए सेल। मैं अभी बाहर गई थी लेकिन मैं भूल गई, बाहर गई थी मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह लाने के लिए, क्योंकि आज बन रहे दोस्तों गुजिया। और आप लोगों को जैसे पता हो गई ही कि कल परसों होली है 8 को, और सब लोग आजकल गुजिया बना रहे हैं। आजकल बाहर जाओ ना, ऐसे गली में निकलो ना, तो सबके घर से सूजी की खुशबू आ रही है, क्योंकि जैसे सूजी को फ्राई करते हैं ना तो खुशबू तो आ ही जाती है। तो आज हमने भी सोच लिया हम भी बनाएंगे, पापा आज घर पे ही हैं। तो अभी मैं सामान लेके आई और पापा अभी सूजी को फ्राई कर रहे हैं। और मधुबाला जी अब ना आई है, इसका तो काम लगा आज और मेरा काम आज जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने बोला आज गुजिया वगैरह बनानी है तो फिर हेल्प करूँगी पापा की। वैसे तो पापा ऑलराउंडर है, सब चीज़ बना लेते हैं लेकिन फिर भी। और मम्मी तो लेटी हुई है दोस्तों, अभी भी ठीक नहीं है वैसे, मतलब लूज मोशन भी नहीं है वैसे, बुखार वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बॉडी में कमजोरी आई है ना इसी वजह से। और देखो पापा की प्रिपरेशन, इस साइड पापा ने गूंद लिया है मैदा और ये है घी, इस साइड है सूजी। क्या ढूंढ रहे हो? चलो अब मुझे काम दे रहा है कि खा है कि ड्राई फ्रूट को काटो, थोड़ा खा भी लूंगी मैं। ये कैसे आ गई खाने के बहाने? देखो मैं खाने के बहाने जा जा। ये देखो दोस्तों कैसे चोर है, चोर कहीं की। एक दो ना मम्मी को दे रही हूँ बादाम, ला बहुत है इतने। तो अभी मैंने थोड़े से ही काटे हैं और इस साइड दिखाती हूँ मैं, इस साइड मधु रख रही है फ्रूटी सबके लिए। हाँ और अपने लिए ना ये ज़्यादा रखी है, मुझे पता है। हाँ फुल फुल भर दे बस सबके लिए। और मैं कर रही हूँ अभी ये काम, जल्दी दे जल्दी रख। तो मैं इतना दूंगी बस। हाँ ये देखो मुझे बोल दिए, तुम्हें तो बल मैं इतना दूंगी, ये देखो जानबूझ के देखो। क्या हुई गई? अच्छा। और नारियल हमारे घर पे था, इसको नहीं आता दोस्तों, पापा बता रहे हैं। तो अब बना रही है भाभी गुजिया, है ना भाभी? ये पापा है कि मैं डाल दूँ, ये सारा स्टफिंग है। देखो एक बन गया, दो बन गए। पापा ने ये रोटियां पहले से बना के रखी है। पापा को कुछ नहीं है। इसका पेट फट चुका है, मुंह में पानी आ रहा है इनका, है ना? तेरे नहीं आ रहा बस। तो अब कह दो बस और इधर रखा तेल। हाँ
पांचवी रोटी है। एक खड़े बड़ो मोदी। तो फाइनली ये थोड़े बन चुके हैं, इस साइड रखे हैं, इस साइड चल रही है प्रिपरेशन। इसको देखो तुम, इस साइड पापा बेल रहे हैं रोटी, ये अट्टी। ये देखो मैंने कितने अच्छे गुजिया बनाई। तो इनका भी ना एक अलग ही मज़ा होता है दोस्तों बनाने का, तो आ जाइए आप लोग भी। क्या कर रही है? तो अभी बन चुके हैं हमारी गुजिया, ये देखो दोस्तों, और थोड़ा सा मैदा बचा है। अब पापा पता नहीं क्या बना रहे हैं उसका। टिक्की खाएगी तो रुक जा। गुजिया तो दोस्तों बन चुकी है, बर्तन हो गए हैं सिंक में, तो मैं पहले धुल लेती हूँ। मम्मी कहाँ गई? और सारे घर में धुआं धुआं हो गया। मौसी का फोन आ रखा है, ये देखो। ए मौसी, गुजिया खाना कौन है जा, गुजिया खाना कौन है जा है? अरे है जाओ ना, माता भी देख के ला और गुजिया ली जा ला। तो अभी बर्तन धुले, मैं अपने लिए गुजिया ले आई हूँ, तो टेस्ट करते हैं। तुमड़ी कहाँ गए? तुमड़ी खाना है? दे। नहीं देना मैं। दे। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। माँ ने खाना बाहर ना, बहुत तेज धूप लगी है। ले तुमड़ी पीछे से खा। क्या चाहिए हो? कुछ नहीं, जो पापड़ थी। मैदा बच गया था, तो पापड़ वगैरह पता नहीं क्या बना रहे, ऐसा कुछ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहा, और अब मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो क्योंकि अभी हमारे घर पे कोई आ रहा है, तो इस वजह से अब मेरा ब्लॉग नहीं बन पाएगा। तो जो भी है दोस्तों, आप लोगों के साथ है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आई होप आप सब लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग भी अपने घर में गुजिया बनाएं, आनंद लीजिए और इसकी तरह खाइए। तो करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अपने घरों में मच्छर भी मारे। हाँ।